सुबह से पीपल कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और गाइस वीडियो कई दिन बाद आ रही है बिकॉज तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। एनीवेज गाइस आज की जो वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आपकी जो गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं वो जो बेस मॉडल आता है उसमें वो मिरर जो होते हैं वो मैनुअल होते हैं। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक और मैनुअल से क्या मतलब है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो आपके मैनुअल मिरर्स हैं साइड के उनको ऑटोमेटिक मिरर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं और वो भी बिना वारंटी वॉइड हुए। बेसिकली जो नीचे वाले मॉडल्स आते हैं जो यानी कि बेस वेरिएंट्स होते हैं जो टॉप मॉडल होते हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि आपको तीन चार ऐसे अपग्रेड्स हैं जो मिल जाते हैं। तो ये जो साइड वाले मिरर्स होते हैं ये मैनुअल आते हैं जो बेस वेरिएंट्स होते हैं, और जो टॉप वेरिएंट्स होते हैं उनमें आप इन्हें अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो मैं एक बार आपको लाइव दिखा दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और उसके बाद पूरी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ बता दूं कि इंस्टॉलेशन जो है वो मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, वो मैंने व्हाट्सएप में मंगवाई थी भैया से, सो उसमें आपको क्वालिटी में थोड़ा सा इशू मिल सकता है, तो उसके लिए माफ़ी। एनीवेज मैं पहले आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है पूरा, कि साइड मिरर्स जो हैं वो मैनुअल हैं या ऑटोमेटिक हैं, उसके बाद मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा एंड बाद में प्राइसिंग एंड सब कुछ आपको बताते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ये था कि ये जो मिरर्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, आप देख सकते हैं कि यहां से ये यहां पे इस बटन को दबाऊंगा तो वो बंद हो जाएगा। अगेन दिखा देता हूं एक बार, ओके ये हो गया। इसके बाद साथ ही साथ आप यहां से ही अंदर से इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं यहां से आपको थोड़ा सा। ये जो फंक्शंस है गाइज ये बेस वेरिएंट में नहीं आते हैं ये कंट्रोल करने वाला, साथ ही साथ उधर का भी दिखा दूं मैं आपको कि आप उधर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां से भी कंट्रोल हो रही है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा मैंने आपको दिखाया पूरा फंक्शन में एंड लाइव एक्शन में कि एक्चुअल में ऑटोमेटिक क्या होता है, और मैनुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैनुअल में आपको हाथ से ही करना होता है सारा। और कई बार जो ये अंदर साइड है इसकी यहाँ पे भी आपको मिल जाता है थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, किसी किसी गाड़ी में मिलता है किसी किसी में नहीं मिलता, वो सब अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज दिखाऊंगा कि आप कैसे ये जो ऑटोमेटिक मिरर्स हैं ये इंस्टॉल करवा सकते हैं किसी भी गाड़ी में। याद रहे कि आपके मिरर्स भी ये रहेंगे और सब कुछ ये रहेगा, बस कुछ एक दो मोटर्स हैं वो चेंज होती हैं अंदर, और जो अंदर का स्विच है वो चेंज होगा बिकॉज जो साथ में स्विच आता है उसमें ये सब फंक्शंस नहीं होते कि आप ये सब कंट्रोल कर पाओ। तो पूरी इंस्टॉलेशन देखिए उसके बाद आखिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या कुछ प्राइसिंग एंड कहाँ से लगवा सकते हैं आप। ये गाड़ी बिल्कुल बेस मॉडल है, आप स्टीरियो देख सकते हैं और इसका स्विच देख सकते हैं, शीशे हाथ से ऑटो, स्विच में कोई ऑप्शन नहीं है इसका, चेंज कर दिया है जो मारुति का 100% जेन्युइन है, 100% जेन्युइन की गारंटी देता हूं मैं। ये देखिए ये स्विच लगा दिया मैंने इसके अंदर, और ये इसका नॉर्मल स्विच निकाला जो पहले लगा हुआ था, ये भी मारुति का जेन्युइन है सर। इसमें देखिए पुश बटन नहीं है इसका जो इसमें आ गया, ये 100% मारुति का जेन्युइन प्रोडक्ट है, और प्रॉपर ZA प्लस की तरह ही आपकी साइड मिरर काम करेंगे इसके। VDI मॉडल है जिसमें साइड मिरर फोल्ड नहीं आते,
अब देख लीजिए आप साइड मिरर बोल्ट प्रॉपर लग गए हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए स्विच भी लग गया और अपना स्विच से भी काम करेगा। देखिए स्विच लगाते ऑन हो गया अपना, ये देखिए प्रॉपर सामने से ही दिखा देता हूँ मैं आपको। होल्ड हो गए, खुल गए, होल्ड, और इसमें आपकी कोई वारंटी वाइड नहीं होगी। प्लग एंड प्ले सिस्टम है ये भी और कंपनी का जेन्युइन प्रोडक्ट है, कोई उसमें कोई चाइनीज सामान कोई बाहर का सामान कुछ नहीं लगा है, स्विच से लेके हर चीज़ जेन्युइन लगी है। सो गाइस आपने वीडियो पूरी देख ली होगी, वीडियो के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि व्हाट्सएप पे वीडियो आई है, तो थोड़ी सी आपको क्वालिटी अलग लग सकती है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने खुद ने रिकॉर्ड नहीं करी थी। एनीवेज गाइस आपने पूरी इंस्टॉलेशन देखी, मैं आपको चीज़ बता दूं कि इसमें कोई वारंटी बॉर्ड नहीं हुई आपकी। और दूसरी चीज़ कि आप ये किसी भी गाड़ी में करवा सकते हैं, ये इंस्टॉलेशन जिस भी गाड़ी में हुई है उससे कोई मतलब नहीं बनता आपका। आपके पास अगर स्विफ्ट है, बलेनो है, i20 है, कोई भी गाड़ी आप उसमें इजीली करवा सकते हैं ये, और वारंटी वर्ड नहीं होगी। दूसरी चीज़ बता दूं कि प्राइसिंग क्या है, इसकी प्राइसिंग आपको लगभग 6.5 से 7 के आसपास पड़ सकती है। प्राइस अप डाउन हो सकता है बट आप इतना अंदाजन मान के चल सकते हैं कि 6500 के आसपास आपको प्राइसिंग पड़ सकती है इसकी। ऊपर नीचे हो सकता है मैं पहले बता दूं, बिकॉज पार्ट्स होते हैं इनकी कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होता, अप डाउन होता रहता है, तो मैं आपको एक अंदाजन प्राइस बता दिया कि ये अंदाजन आपको प्राइस पड़ सकता है। सो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूले। कई दिन बाद वीडियो आई, आपको उसका रीज़न बता दिया कि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी इस वजह से। और दूसरी चीज़, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम मेरा जो चैनल है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय बाय।